भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध प्राचीन और रहस्यमय मंदिर हैं, परंतु आस्था के लिए प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड की अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो पौराणिक काल से मौजूद हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा को संभाले उत्तराखंड ऐसे ही नहीं देवभूमि कहलाता है। यहाँ हर साल कई सैलानी शांत वातावरण की तलाश में आते हैं। यूं तो उत्तराखंड में अनगिनत प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आज आपको यहाँ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ की देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी मानी जाती हैं। यह मंदिर है माँ धारी देवी का, जो उत्तराखंड की रक्षा में यहाँ स्थापित है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनकी भी रक्षा धारी माता ही करती हैं। माता के प्रकोप से बचने के लिए मंदिर में पूजा पाठ पूरे विधि विधान से की जाती है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि माता ने यहाँ के लोगों को दंडित किया हो, लेकिन फिर भी लोग यहाँ के हर नियम का पालन करते हैं। लेकिन इनका गुस्सा भी किसी से छुपा नहीं है। यहाँ के लोगों की माने तो केदारनाथ में आया प्रलय धारी देवी के गुस्से का ही नतीजा था। माँ धारी देवी उत्तराखंड के चार धाम की रक्षा करती हैं। इस देवी को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। मंदिर में मूर्ति जागृत और साक्षात है। यह सिद्ध पीठ श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। जनकल्याणी रक्षक एवं सिद्ध पीठ दक्षिणी काली माता मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि माता धारी देवी दिन में तीन अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देती हैं। सुबह के दौरान माता धारी देवी अपने भक्तों को एक कन्या के रूप में दर्शन देती हैं और दिन के समय में एक महिला एवं युवती के रूप में दर्शन देती हैं, जबकि रात के समय में एक बूढ़ी माता के रूप में अपने भक्तों को अपने दिव्य दर्शन देती हैं। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। काली मठ एवं कालीस्य मठों में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है, परंतु धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ में माता की मूर्ति बह गई और धारो गांव में चट्टान से टकराकर रुक गई थी। कहा जाता है कि मूर्ति से निकली ईश्वरीय आवाज ने गांव वालों को उसी जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने उसी जगह पर माता का मंदिर बना दिया। तब से यहां आने वाला श्रद्धालु माँ के दरबार में हाजिरी लगाकर ही आता है। राजा अजयपाल पवार ने भी धारी देवी के आशीर्वाद से 52 गढ़ों को हराकर गढ़वाल की स्थापना की। शंकराचार्य जी, जिन्हें वैद्य हकीमों ने लगभग मृत्यु के काफी करीब मान लिया था, धारी देवी की शरण में आकर वे चमत्कारिक तरीके से स्वस्थ हो गए। फिर धारी देवी की कृपा से शंकराचार्य जी ने चार धामों का शिलान्यास किया। 18वीं सदी में धारी देवी के मंदिर के साथ छेड़खानी की गई थी, तो प्रलय की एक बहुत बड़ी तबाही उस समय भी देखने को मिली। ऐसा कहा जाता है कि श्रीनगर जैसी संकरी जगह को भी इस प्रलय ने उजाड़ कर मैदानी रूप दे दिया था। उत्तराखंड में हाल ही में केदारनाथ आपदा के दिन फिर दोबारा से धारी देवी की मूर्ति को उखाड़ कर जैसे ही एक और बार छेड़खानी करने की कोशिश की गई, तो प्रलय का एक और तांडव दिखाई दिया। माँ धारी देवी हिंदुओं का एक ऐसा सिद्ध पीठ है जहाँ सच्चे दिल से मुराद मांगकर रंक भी राजा बन जाता है। कहते हैं आज तक जो भी माँ धारी देवी के दर पर गया, सच्चे दिल से मांगी उसकी हर इच्छा पूरी हुई है। हर साल नवरात्रों के अवसर पर देवी कालीसौर की विशेष पूजा की जाती है। देवी काली के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर और नजदीक के लोग आते रहते हैं। मंदिर के पास एक प्राचीन गुफा भी मौजूद है।